ओके सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर में जो हमारे क्वेश्चंस चल रहे थे, PYQs, जो आगे के क्वेश्चंस हैं हम वो पढ़ेंगे। तो अब तक हमारे कुछ 30 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन सॉल्व हमने कर लिए। नाउ आज हम देखेंगे 31 से लेकर 40 तक क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि PYQs होंगे नीट के, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है हमें। फॉर सैटेलाइट मूविंग इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के ऑर्बिट में मूव कर रहा है, द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात हुई है। सो देखो सबसे पहले देखो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है माइनस जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन आर, ठीक है। और जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है जी मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ सैटेलाइट इंटू 2 आर, ठीक है। सो अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी होगा जी एम अपॉन 2 आर अपॉन, और सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, मैं माइनस नहीं लूँगा। सो ये सारे वैल्यूज जो है कट जाएंगी सिर्फ वन बाय टू बचेगा। सो वन इज एज टू टू इज द राइट आंसर, ठीक है। वन एज टू टू यानी ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है। अ पार्टिकल ऑफ मास m1 इज मूविंग विद द वेलोसिटी v1, एक पार्टिकल m1 जो v1 वेलोसिटी से जा रहा है, एंड द अनदर पार्टिकल ऑफ मास m2 इज मूविंग विद द वेलोसिटी vp, दोनों की वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट है। बोथ ऑफ देम हैव द सेम मोमेंटम, उनका क्या है, मोमेंटम दोनों का सेम है, बट देयर डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज e1 एंड e2 विद रिस्पेक्टिवली इफ m1 इज ग्रेटर देन, तो काइनेटिक एनर्जी का बिहेवियर किस तरह होगा। तो सबसे पहले देखो हम क्या कहते हैं, ये हम काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं पी स्क्वायर बाय 2m, ठीक है। यहाँ पे अगर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/m। सो काइनेटिक एनर्जी की E1 बाय E2, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को E1 से डिनोट करता हूँ तो यह जाएगा M2 बाय M1, ठीक है। तो अगर मैं M1 को बढ़ाता हूँ तो E1 क्या होगा, घटेगा, सही बात है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, M1 को बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, घटेगी। सो यहाँ पे देखो कंडीशन हमें गिवन है कि अगर इस कंडीशन में M1 बड़ा है M2 से तो रिजल्टेंट क्या होगा, E1 जो होगा वो छोटा होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन डी आएगा, E1 छोटा होगा और E2 क्या होगा, बड़ा होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी जो दूसरे पार्टी की काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, ऑप्शन बी आई मीन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बॉल ऑफ मास 2 kg एंड अनदर ऑफ मास 4 kg आर ड्रॉप टूगेदर फॉर्म अ 60 फीट टॉल बिल्डिंग, ठीक है। सो ठीक है, सो एक बॉल है जो 2 kg है और एक दूसरा बॉल है जो है 4 kg ड्रॉप्ड हमने, और एक बिल्डिंग की हाइट है कुछ 60 फीट, ठीक है। जब वो 30 फीट पे आते हैं यानी यहाँ तक ड्रॉप करने के बाद, यानी इनिशियल वेलोसिटी दोनों की कितनी होगी, 0 होगी ड्रॉप किया, तो यहाँ पे अगर 30 फीट पे आते हैं
तो उनकी दोनों की वेलोसिटी होगी वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 gh। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का कोई लेना देना नहीं, ना ही मास का लेना देना होगा, ठीक है। 2 gh, इसकी भी 2 gh, इसकी भी 2 gh, यानी वी टू इज इक्वल टू 2 gh और वी वन भी कितना होगा अंडर रूट 2 gh, ठीक है। और हमें फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी में क्या रेशियो आएगा। तो सबसे पहले देखो काइनेटिक एनर्जी होता है, फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 करूँगी, क्योंकि वही हमें फाइंड करना है, तो आ जाएगा हाफ एम वन वी वन स्क्वायर अपॉन हाफ एम टू वी टू स्क्वायर। हमें पता है कि वी वन वी टू दोनों सेम है, तो वी वन वी टू क्या हो कट जाएगा, हाफ से हाफ कटेगा, बचेगा एम वन अपॉन एम टू। सो एम वन आएगा 2 और एम टू आएगा 4, तो आ जाएगा 1/2। सो ऑप्शन बी यानी 1 = 2, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी 33। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है। स्टेशनरी पार्टिकल एक्सप्लोज इनटू टू पार्टिकल्स ऑफ मास एम वन एंड एम टू विच मूव इन अपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटीज वी वन एंड वी टू, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। अब देखो एक पार्टिकल है जो कि एक्सप्लोज हुआ है, ठीक है, मतलब पहले उसकी एक्सप्लोज है, तो शुरुआत में वो रेस्ट में होगा, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो होगा, और फटने के बाद एक पार्टिकल का उसका हिस्सा कुछ वी वन स्पीड से यहाँ पे गया होगा एम वन मास से, और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में यानी वी टू एम टू मास से। तो फाइनल, अगर इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी कितना होगा, जीरो, यानी एम वन वी वन माइनस एम टू वी टू क्या होगा, जीरो ही होगा, यानी मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है, कांस्टेंट है। तो मैं काइनेटिक एनर्जी को लिख सकता हूँ पी स्क्वायर बाय 2m, और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/m के साथ। अगर मैं ई वन ई टू के रिलेशन लिखूँ, यानी ई वन बाई ई टू इक्वल्स टू ये आ जाएगा एम टू बाय एम वन, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द, यहाँ पे क्या होगा, सही है, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 35। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाय 300% देन परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में कितना परसेंटेज चेंज है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो काइनेटिक एनर्जी होता है पी स्क्वायर बाय 2m, यानी मैं पी को लिख सकता हूँ अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। अब टू और मास तो कांस्टेंट है, तो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा काइनेटिक एनर्जी के साथ, ठीक है। अगर मैं यहाँ से रिलेशन देखूँ पी इनिशियल और पी फाइनल के साथ, तो ये आ जाएगा अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल। सो द पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो था अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को 100 मान लेता हूँ, ठीक है 100, और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा वो 300 से बढ़ गया होगा, सो प्लस 300, तो 100 + 300 जो हो जाएगा 400, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको। सो ये 0 से 0 कट जाएगा, पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल आएगा 1/2, और मैं यहाँ से पी फाइनल की वैल्यू निकाल तो आ जाएगा 2 times P initial, ठीक है। और हमें अब परसेंटेज चेंज निकालना है मोमेंटम में, यानी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन पी इनिशियल इंटू 100 जो है हमें फाइंड करना है। तो पी फाइनल हो जाएगा 2 times P initial, ठीक है, अभी हमने निकाला, और माइनस पी इनिशियल अपॉन पी इनिशियल इंटू क्या होगा 100। यहाँ से अगर मैं पी इनिशियल कॉमन लिखता तो 2 - 1 पी इनिशियल कॉमन, नीचे पी इनिशियल इंटू 100, सो पी इनिशियल कैंसिल, 2 - 1 1 × 100, तो ये आ जाएगा 100%, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, परसेंटेज चेंज ही निकालते। सो ऑप्शन
ये आप ही क्या होगा, सही होगा। थर्ड क्वेश्चन नंबर 35, ऑप्शन ए। उस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। अ चाइल्ड इज सिटिंग ऑन अ स्विंग, ठीक है, झूले में आप बहुत बार बैठे होंगे, सो मान लो कुछ इस तरह से झूला है, ठीक है, इस पर एक चाइल्ड क्या है और वो क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, स्ट्रेट, तो इतना झूला तो जाता नहीं, पर फिर भी मान लेते कुछ अड़ियल सा बच्चा होगा जो जोर जोर से झूले को हिला रहा होगा, ठीक है। हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, तो उसकी जो झूले की हाइट होगी, सो मान लो कुछ ग्राउंड है यहाँ पे, पहले से झूला जो था कुछ देर ऊपर ही हम क्या कहते हैं टांगते, क्योंकि वो जमीन से ना टकरा है, ठीक है। सो हाइट फ्रॉम द ग्राउंड जो है उसकी हाइट है 0.75, ठीक है, 0.75 मीटर। एंड मैक्सिमम जो मतलब यहाँ पे इसकी हाइट होगी 2 मीटर रिस्पेक्टिवली, इट्स मैक्सिमम स्पीड, हमें फाइंड करना मैक्सिमम स्पीड। अगर जब वो अपने मैक्सिमम वेलोस हाइट पे जाएगा तो यहाँ पे आपको पता है वेलोसिटी होता है 0, ठीक है, वेलोसिटी 0 होगा, और ये जो होगा ना मेन पोजीशन होगा इसका, मेन पोजीशन होगा, यानी ये क्या करेगा, ऐसे कुछ इस तरह से ऑसिलेट करेगा, ठीक है ना, हम ऐसे मान के चलते हैं, यहाँ पे क्या करेगा वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आएगा तो अगर एक्सटर्नल फोर्स हम इस पर नहीं लगा रहे तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। सो मैं अगर मैं इसे इनिशियल पोजीशन मान लूँ, ठीक है, इसे इनिशियल पोजीशन मान लूँ, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 लिख लेता हूँ, ठीक है, इस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। सो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 होगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी मैंने वहाँ पे 0 ही मान लिए। अब जब नीचे आएगा यानी मैक्सिमम हाई वेलोसिटी होगी, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, और यहाँ से पोटेंशियल जी निगेटिव, यानी अगर मैं यहाँ पे 0 रेफरेंस मान रहा हूँ तो नीचे निगेटिव आएगी, तो माइनस एम जी एच, ठीक है। सो यह जगह हाफ मास हमें गिवन नहीं है, तो मैं एम ही रख देता हूँ। हमें फाइंड करना है वी मैक्स की वैल्यू, मुझे फाइंड करनी है, तो वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू जी, और यहाँ पे अगर मैं हाइट की बात करूँ, ठीक है, तो मुझे हाइट चाहिए सिर्फ ये हाइट, ठीक है, जो उस झूले की होगी। सो टोटल हाइट जो ये 2 मीटर है उसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा इतना, यानी 0.75, तो ही मुझे ये एक्चुअल हाइट मिलेगी। सो मैं इसे लिखूंगा 2 माइनस 0.75। अगर मैं एम यहाँ से कॉमन निकालता हूँ तो यह जाएगा वी मैक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस जी इंटू, और 2 माइनस 75 तो यह जाएगा 1.25, ठीक है। सो एम को अगर मैं इस तरफ भेजता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू वी मैक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 10 इंटू 1.25। सो ये आ जाएगा, 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 12.5। अब मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ वी मैक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2, सो यहाँ से वी मैक्स स्क्वायर आ जाएगा 2 इंटू 12.5, सो आ जाएगा अराउंड 25.0 अंडर रूट वी मैक्स, तो इसे सॉल्व करने में आएगा 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बी जो होगा वो सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 37। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर्सन इज जस्ट हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय हुज मास इज जस्ट हाफ ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। मान लो एक पर्सन का मास m1 है, मान लो ये पर्सन है, ठीक है, इसका मास m1 है, उसकी काइनेटिक एनर्जी
और उसकी काइनेटिक एनर्जी के वन जो कि है हाफ एम वन वी वन स्क्वायर। और एक लड़का है, एक बॉय है, जिसका मास कितना है? जस्ट सेकंड, क्योंकि मास में थोड़ा इन्होंने कंपेरिजन दिया है। तो मान लो एक पर्सन है जिसका मास है एम और उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी के वन है हाफ एम वी वन स्क्वायर और उसकी वेलोसिटी वी वन है। एक बॉय है जिसका मास एम बाय टू है यानी पर्सन से आधा है और उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम बाय टू, और अगर ये वी टू से जा रहा है तो वी टू स्क्वायर। ठीक है, इफ पर्सन इंक्रीज इट स्पीड बाय 1 मीटर पर सेकंड देन द काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू दैट ऑफ द बॉय। तो देखो सबसे पहले कंडीशन हम देखेंगे, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर्सन इज जस्ट हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय हुज मास इज जस्ट हाफ ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, तो अगर मैं इसका काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन निकालू इसका मास एम वन वी वन एम बाय टू वी टू, तो पहली कंडीशन में दिया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर्सन यानी एम वी वन स्क्वायर जो होगा वो हाफ होगा इस बॉय के कंपेयर में यानी एम बाय टू वी टू स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से हाफ कटेगा, एम से एम कटेगा, वी वन स्क्वायर इक्वल टू आएगा वी टू स्क्वायर बाय 4। ठीक है, सो यहाँ से वी वन स्क्वायर इक्वल टू वी टू बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ वी टू की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स V1। ठीक है, जस्ट सेकंड, में लैपटॉप को चार्ज में लगता लगा लेता हूँ। तो यहाँ से मुझे V2 की वैल्यू मिली है यानी वेलोसिटी ऑफ द बॉय। दूसरी कंडीशन हमें गिवन है, इफ द पर्सन इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर पर्सन ने उसकी वेलोसिटी इंक्रीज की है यानी हाफ एम वी वन प्लस वन स्क्वायर वन से इंक्रीज किए तो क्या होता है, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू दैट ऑफ बॉय द इनिशियल स्पीड ऑफ द पर्सन, तो उसकी इक्वल हो जाएगा यानी हाफ एम बाय टू वी टू स्क्वायर, कुछ इस तरह। ठीक है, सो यहाँ से हमें फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू दैट ऑफ द बॉय देन इनिशियल स्पीड ऑफ द पर्सन वॉज। इनिशियल स्पीड ऑफ द पर्सन यानी वी वन हमें क्या करना है, फाइंड करना है पर्सन की वेलोसिटी कितनी। सो फिर से देखो, यहाँ से हाफ हाफ कट जाएगा, एम एम कट जाएगा, सो जाएगा वी वन प्लस वन का स्क्वायर, और वी टू की वैल्यू मुझे पता है 2 टाइम्स V1, तो मैं इसे लिखूँगा 4V1 स्क्वायर बाय 2। सो 2 वन ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2V1 स्क्वायर, तो आ जाएगा V1 प्लस 1 इज इक्वल टू, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड अंडर रूट 2V1, तो आ जाएगा V1 माइनस रूट 2V1 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से वी वन में अगर कॉमन लेता हूँ तो आ जाएगा 1 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू -1, और वी वन की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस रूट 2। ठीक है, और अगर मैं माइनस को हटा दूँ तो आ जाएगा √2 -1। पर एक्चुअल वैल्यू देखो, हमें क्वेश्चन ऑप्शन में कुछ डिफरेंट वैल्यू दे, तो हम क्या करेंगे, इससे √2 प्लस 1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई आई मीन डिनोमीटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, सो इससे इसकी वैल्यू आ जाएगी √2 प्लस 1
और नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा लगेगा, यानी रूट टू स्क्वेयर माइनस वन स्क्वेयर, तो आ जाएगा रूट टू प्लस वन, वह आ जाएगा टू माइनस वन यानी वन। सो फिर थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, तो इसे फर्दर सॉल्व करने के बाद ठीक है यहाँ से तो आ जाएगा रूट टू प्लस वन बाय वन यानी मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पे ए जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू बॉडीज ऑफ मासेस एम एन फोर एम आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जीज द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम इज, इन दोनों की क्या काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स है। ठीक है, सो देखो हम सबसे पहले देखो मोमेंटम यानी काइनेटिक एनर्जी को फार्मूला लिखते हैं हम, पी स्क्वायर बाय टू एम, तो पी इज इक्वल टू होगा अंडर टू एम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो यहाँ से का है क्या है हमें गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी का इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, सो मैं मोमेंटम को डायरेक्टली मास के साथ रिलेशन लिख सकता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। सो पी वन बाय पी टू होगा अंडर रूट एम वन बाय एम टू, सो एम वन वैल्यू है एम और एम टू है फोर एम, सो एम वन से एम से एम कट जाएगा, बचेगा वन बाय फोर वो भी अंडर रूट, तो आ जाएगा पी वन अपॉन पी टू इज इक्वल टू वन बाय टू। सो तो यानी अगर मुझे सिर्फ रेशो की वैल्यू चाहिए तो हो जाएगा वन इज एस टू टू। सो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा सही होगा। ठीक है, 38 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। अ मूविंग बॉडी ऑफ मास एम एंड वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर कोलाइड विद द रेस्ट बॉडी ऑफ मास 2 मीटर ऑफ 2 m, ठीक सॉरी 2 मीटर ऑफ मास 2 m एंड स्ट्राइक टू इट, नाउ द कंबाइंड मास स्टार्ट्स मूविंग। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये सिंपली परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी का एग्जाम्पल है। ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी यानी देखो एक मान लो मास है एम वन वी वन से मूव कर रहा है और एक है एम टू वी टू से मूव कर रहा है, तो रिजल्टेंट क्या हुआ है ना दोनों मिक्स यानी एम वन प्लस एम टू किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करेंगे। ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी की तरह। सो सेम यहाँ पर हमें गिवन है कि एक जो है इसका मास है एम, इसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर किलोमीटर पर आवर, कोलाइड विद द रेस्ट, एक तो है उसका वेलोसिटी 0 है और रेस्ट में, और उसका मास है 2 m, स्ट्राइक ऑन इट एंड नाउ द कंबाइंड मास, ठीक है कंबाइंड मास स्टार्ट्स टू मूव, व्हाट विल बी द कंबाइंड वेलोसिटी, तो उसकी कंबाइंड वेलोसिटी कितनी होगी। तो कंबाइंड वेलोसिटी का फार्मूला होता है एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। सो एम वन है एम, वी वन यानी 3 किलोमीटर पर आवर प्लस एम टू में 2 m गिवन है जो रेस्ट में है उसका वेलोसिटी का 0, सो एम वन प्लस एम टू यानी एम प्लस 2 m, तो यह जाएगा 3 m अपॉन 3 m, एम से एम कटेगा 3 1 3 1 3, तो इसकी वेलोसिटी आएगी 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन था, मीटर पर सेकंड नहीं आएगा 1 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, किलोमीटर पर हावर आएगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में किलोमीटर पर हावर गिवन था। ठीक है, सो ऑप्शन सी यहाँ से क्या आएगा राइट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो तो पोटेंशियल एनर्जी का हमें इक्वेशन गिवन है। ठीक है, क्या है इक्वेशन, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है
ए अपॉन एक्स रेस टू द पावर 12 माइनस बी अपॉन एक्स रेस टू द पावर 6। ए और बी क्या है, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स है, एक्स क्या है डिस्टेंस है फ्रॉम द एटम्स, डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स, द एटम इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। अब अगर एटम इक्विलिब्रियम स्टेट होता है तो नेट फोर्स वहाँ पे होता है जीरो, ठीक है, ठीक है ना। तो अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो डेल यू बाय डेल एक्स भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। नेट फोर्स अगर जीरो होगा तो डेल यू बाय डेल एक्स जीरो होगा, तो हम क्या करेंगे, इसे इक्वल रखेंगे जीरो की तरफ, यानी डेल यू बाय डेल एक्स जीरो को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, और यू का जो इक्वेशन है वो है ए अपॉन एक्स रेस टू द पावर 12 माइनस बी अपॉन एक्स रेस टू द पावर 6, ठीक है। मैं थोड़ा इसे अच्छे से लिख लूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, एक्स रेस टू द पावर माइनस 12 में से लिख सकता हूँ, माइनस बी एक्स रेस टू द पावर माइनस 6 कुछ इस तरह में से लिख सकता हूँ, कैलकुलेशन में थोड़ा ईजी हो जाएगा इसलिए। तो जीरो इक्वल्स टू ये आ जाएगा माइनस 12 ए एक्स रेस टू द पावर माइनस 30 प्लस 6 बी एक्स रेस टू द पावर माइनस 7, ठीक है। सो जीरो इक्वल्स टू ये जाएगा माइनस 12 ए अपॉन एक्स रेस टू द पावर 30 प्लस 6 बी एक्स रेस टू द पावर 7। अगर मैं यहाँ पे एक्स रेस टू द पावर 7 कॉमन ले लेता हूँ तो ये जाएगा माइनस 12 ए एक्स रेस टू द पावर 6 प्लस 6 बी, ये अगर मैं जीरो की तरफ इसे ट्रांसफर करता हूँ तो जीरो हो जाएगा। तो जीरो इज इक्वल टू माइनस 12 ए एक्स टू पावर 6 6 बी, ठीक है। सो अगर यहाँ से मैं 6 बी कॉमन ले लो तो बचेगा माइनस 2 ए बाय एक्स रेस टू पावर 6 प्लस बी, ये 6 बी जीरो हो जाएगा। सो जीरो इज इक्वल टू माइनस 2 ए बाय एक्स रेस टू पावर 6 प्लस बी, तो आ जाएगा 2 ए बाय एक्स रेस टू पावर 6 इज इक्वल टू बी, तो 2 ए बाय बी इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 6, तो देयर फॉर एक्स इज इक्वल टू 2 ए बाय बी अंडर रूट, ठीक है, 1/6 रूट 2 ए बाय बी। सो 1/6 रूट 2 ए बाय बी ऑप्शन, यहाँ पे देखो ए जो है सेम टू सेम मैच कर रहा है, तो ठीक है। यहाँ पे हमारे नेक्स्ट 4 10 क्वेश्चंस वर्क एनर्जी पावर पे हमने सॉल्व किए हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चंस थे, टफ क्वेश्चंस थे, पर इसी तरह नीट पीवाई मतलब इसी तरह नीट में भी क्वेश्चंस आएंगे, यही जो लेवल है यही नीट की लेवल है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन पे अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे कल, इसके आगे कौन से क्वेश्चंस होंगे वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।